वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सीखोगे कि टेबल को वेब पेज के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जितने भी MEW के में हम सेशन कवर कर रहे हैं या फिर कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप ऑनलाइन फील्ड में वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और कुछ अर्न भी करना चाहते हैं। सो सभी वीडियोज़ को आपने ध्यान से देखना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो सेशन कवर करेंगे वो सबसे फर्स्ट पे है, क्रिएट टेबल यूजिंग MEW, मींस हम MEW में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक हमारे पास वेब पेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे वेब पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। चाहे तो आप फाइल में जा करके यहाँ पर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, HTML का यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। अभी हमारा Untitled 1 के नाम से यहाँ पर .html का पेज हमारा ओपन हो चुका है, ठीक। इसको हम सेव कर लेते हैं पहले ही ऑलरेडी, ठीक। सेव हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टेबल के नाम से ही, क्योंकि हम टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप टेबल नाम दे दीजिए। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। अभी टेबल नाम हमारा HTML की फाइल जहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, अब हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है, ठीक। अभी जहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपने आप जहाँ पर कोडिंग हो जाएगी, ठीक। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप दो तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे आप मेन्यू बार के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं आप स्टैंडर्ड टूल बार नीचे जहाँ पर इसके थ्रू भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टूल बार के थ्रू आपको जहाँ पर जाना पड़ेगा टेबल मेन्यू, टेबल जो ऑप्शन है जहाँ पर आप जितने भी रो और कॉलम का टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसको, मीन्स ड्रैग करना है और क्लिक करके छोड़ देना है, तो वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, इसके लिए अलग से मेन्यू बार बना हुआ है टेबल का, अलग से टेबल का ही मेन्यू है, तो आपने जहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर जहाँ पर आपको साइज दे रहा है कि आपने रो कितने रखने हैं और कॉलम कितने रखने हैं, मीन्स जहाँ पर 4 and 6 कॉलम है एंड 4 रो है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। सपोज करें कि जहाँ पर मुझे 6 रो चाहिए और 6 कॉलम, मैं यहाँ पर कॉलम 4 कर देता हूँ। अलाइनमेंट आपको लेआउट, मींस आपने जो भी टेबल जहाँ पर इंसर्ट होगा उसकी लेआउट कैसे रखनी चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या फिर राइट में या फिर सेंटर में, तो आप अपनी मर्जी से। यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो इसका मीन्स ये है कि जो इस टेबल का लेआउट होगा वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में होगा, ठीक। डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो लेफ़्ट ही होता है, तो इसमें भी आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जो फ्लोटिंग होता है तो वो भी इसके थ्रू आप लेफ्ट एंड राइट फ्लोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चूज कीजिए। और यदि आप टेबल की विड्थ देना चाहते हैं तो आपने यहाँ से स्पेसिफाई विड्थ पर क्लिक करना है, और आपने इन पिक्सल, मींस पिक्सल के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर आप परसेंटेज के थ्रू भी दे सकते हैं। यदि यहाँ पर मैंने 50% कर दिया तो मेरा टेबल का जो लेआउट है, मींस उसका जो साइज है, वो 50% हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर 50% किया, ठीक। उसके बाद सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग का मतलब ये होता है कि आप जो टेबल का बॉर्डर है और सेल का बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस रखना है वो कितना रखना है उसके, तो जहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मीन्स जितने भी सेल्स आपके टेबल के अंदर हैं, रो एंड कॉलम के अंदर, तो उसकी स्पेसिंग आपने कम ज़्यादा करनी है तो आप जहाँ से कर सकते हैं। और हाइट देना चाहते हैं तो आप विड्थ और हाइट जहाँ से दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई की है 50%, तो आप जहाँ से हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बॉर्डर का साइज है कि आपने टेबल के लिए बॉर्डर का साइज कितना देना है। अभी मैं यहां पर आपको क्लिक करके बताता हूं। अभी हम जहां से 6 रो और 4 कॉलम करके, मींस अलाइनमेंट हमने डिफॉल्ट की हुई है, ये ऑप्शन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद आपने ओके करना है, बस ओके जैसे ही करोगे तो हमारा वो टेबल है हमारे पेज के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अभी हमने 50% किया था, ये देखिए यहां पर 50% हो चुका है। पूरा 100 करते तो जहां पर पूरे पेज के अंदर जहां पर उसकी विड्थ आ जाती टेबल की। अभी हाइट हमने नहीं स्पेसिफाई की थी तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइट है वो उसने इंसर्ट कर ली है। यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स लिए थे और 6 यहाँ पर रो ली थी, ठीक है, 6 रो ली थी, तो यहाँ पर 6 रो और 4 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। इसके अंदर आप कंटेंट लिखना है, बस आपने क्लिक करना है और टाइप करना है, उसके बाद अगले टैब में जाना है, क्लिक कर सकते हैं, नहीं आप टैब पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक। नेम जैसा कि जहाँ पर मैंने लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने टेबल के लिए ही फिल करना है डाटा, ठीक। इस तरीके से जहाँ पर आप कंटेंट को फिल करना है अपना टेबल के लिए, ठीक?
ठीक। उसके बाद हम टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ ऑप्शंस हमारे, जैसा कि टेबल को बैकग्राउंड लगाना है या फिर हमने सेल्स को मर्ज करना है वो कैसे करेंगे, इसका साइज़ भी हम जहाँ से बढ़ा सकते हैं तो वो कैसे होगा। इसके दो वे हैं, चाहे तो आप राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर, मीन्स टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है तो जहाँ पर आपको टेबल प्रॉपर्टी नाम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सेम टू सेम जहाँ पर डायलॉग बॉक्स वही ओपन हुआ है जब हमने टेबल में इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया था, ठीक। अभी जैसा कि 6 रो है और 4 कॉलम है, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेल पैडिंग का क्या मतलब है, अभी हम यहाँ पे सेल पैडिंग करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक। सेल स्पेसिंग में हमने यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने बॉर्डर साइज़ को यहाँ पर 2 ही रखते हैं, यहाँ पर कलर दे देते हैं, यह बॉर्डर का कलर देने के लिए है। अभी मैं हाइट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर सपोज करें यहाँ पर 20% कर दिया, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर बॉर्डर का साइज कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर जहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी ब्लैक है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लू दे दिया या नेवी ब्लू दे दिया। उसके बाद जहाँ पर उसका कलर जहाँ पर अप्लाई हो चुका है, बस आपने अप्लाई पर क्लिक करना है, कोलैप्स टेबल बॉर्डर। यदि आपने टेबल बॉर्डर को कोलैप्स करना है तो आप यहाँ से इस पर चेक लगा दीजिए, और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं टेबल के लिए तो आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अभी जो बैकग्राउंड लगी हुई है वो येलो कलर की है, ठीक। तो इसको बदलना चाहे तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। अभी मैंने जहाँ पर सपोज करें कि जहाँ पर मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दी है, ठीक। उसके बाद जहाँ पर कलर इंसर्ट हो चुका है, यदि पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पर, कलर नहीं लगाना चाहते तो आपने यूज़ बैकग्राउंड पिक्चर पर क्लिक करना है, यहाँ पर सिर्फ आपने अप्लाई करना है। ये देखिए, मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो हमारा वो सब कुछ चेंज हो गया है, हमारा कलर जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद हमने कलर चेंज किया था बॉर्डर के लिए, वो हमारा नेवी ब्लू हो चुका है, ठीक। और उसके बाद हमने सेल पैडिंग दिया था, ये सेल पैडिंग है, ठीक। अभी मैं सेल पैडिंग आपको और इंक्रीज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, ये देखिए। इस तरीके से आप सेल पैडिंग को बढ़ा सकते हैं। सेल पैडिंग है यहाँ पर, इसके अंदर जो स्पेस है वो अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिक अपना टेबल का साइज़ भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी सेल स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग हमने 4 दी हुई है, अभी मैंने यहाँ पर ये दिया 8 दे दिया, इसके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। अप्लाई किया, ये देखिए इसके अंदर स्पेस बढ़ गया है, 4 दिया था 8 कर दिया, अभी स्पेस इसका बढ़ गया है, अभी अलग अलग सेल हमें शो हो रही है। यदि नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर 2 या 1 या 0 भी दे सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पर हम सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको कि टेबल की प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। अभी हमने करना है टेबल में, हम किसी दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है, मींस अभी ये दो सेल्स हैं इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना है आपने, इसको सेलेक्ट करना है दोनों सेल्स को, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके आपने टेबल मेन्यू में ही जाना है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं टेबल के रिलेटेड, तो आपको मर्ज करने के लिए मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई में जा करके जहाँ पर मर्ज सेल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, अभी एक हमारी जो सेल है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमने बस डाटा ही एंटर करना है, ठीक। ये दो सेल थी हमारी, एक सेल बन चुकी है, एक सेल क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से आप कितनी भी सेल्स को जहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। अभी इस सेल को मैंने सप्लिट करना है, इसके दो पार्ट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, आपने टेबल में ही दोबारा जाना है, मॉडिफाई में जा करके जहाँ पर सप्लिट सेल है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप इसमें दो ऑप्शंस आएंगे कि आप कॉलम्स में सप्लिट करना चाहते हैं या फिर रो में सप्लिट करना चाहते हैं। अभी मैं कॉलम में करना चाहता हूँ, तो आपने कॉलम पर क्लिक करके कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, अभी 2 बनाना चाहते हैं, चाहे यदि आप 2 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने बस यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मीन जहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाने हैं तो आपने ओके करना है। ये देखिए 3 कॉलम बन गए हैं। इस तरीके से आप रो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉलम के लिए किया है, रो के लिए भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मर्ज करके सेल्स को या फिर सप्लिट करके, और आप टेबल को भी सप्लिट कर सकते हैं। मीन्स एक ही टेबल को आप 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, इस पर सप्लिट टेबल पर क्लिक करना है। ये देखिए, जहाँ पर हमारा कर्जर था उसके बाद वाला जो हमारा जो टेबल था वो अलग बन चुका है, मीन्स हमारे 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक। इस तरीके से आप टेबल को भी सप्लिट कर सकते हैं, ठीक। अभी हमने ये कर लिया है। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो ऑटो फिट हो जाएगा। जितना सेल्स के, जितना हमने कंटेंट लिखा है उतनी ही सेल्स की बिड्थ होगी, ठीक।
ये आपने ऑटो फिट के लिए करना है। अभी हमारे पास यहाँ पर डाटा नहीं है, आप जब भी डाटा लिखोगे तो उसके बाद आप ये चीज़ ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये ऑप्शन है कि आपने किसी सेल्स को या फिर रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है इंसर्ट की। रो और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं कॉलम को या फिर राइट में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि रो को करना है आपने ऊपर और नीचे मींस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आपको साथ में दी हुई है। यदि आप सेल को लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर राइट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ पर मेरा कर्सर है, अभी मैं आपको एक करके बताता हूँ, बाकी आप खुद करके देख सकते हैं। इंसर्ट में जा करके अभी मुझे राइट में चाहिए, कॉलम चाहिए, तो मैंने कॉलम पर क्लिक किया। अभी देखिए मोबाइल और एड्रेस के बीच में हमारा कॉलम एक और इंसर्ट हो चुका है, ये वाला। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना हो, डिलीट हम टेबल को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, किसी रो को पर्टिकुलर करना है या फिर सेल को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि इस कॉलम को ही हमने करना है, तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डिलीट पर जाना है और डिलीट कॉलम पर क्लिक करना है। ये देखिए डिलीट हो चुका है। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी कॉलम, रो और सेल को डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है पूरे टेबल को, कॉलम को, रो को, तो जहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं आप माउस को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कन्वर्ट का। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आप यदि आपके वेब पेज के अंदर टेक्स्ट है उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मीन्स कोई भी टेक्स्ट को टेबल में या फिर टेबल टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है टेबल की प्रॉपर्टी। यदि आप सेल की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, मीन्स सेल के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाओगे, तो आपने सेल पर क्लिक करना है। ठीक, सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल का लेआउट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है कि आप सेल की अलाइनमेंट कौन सी रखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई, चार टाइप की अलाइनमेंट होती है। वर्टिकल में आप टॉप, मिडल, बेस लाइन या बॉटम, कोई भी अलाइनमेंट रख सकते हैं। यदि सेल की विड्थ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से। ठीक, उसके बाद रो को स्पैन करना चाहते हैं, मीन्स रो स्पैन का मतलब ये होता है कि आपने दो रो या तीन रो को कम्बाइन करना है तो आप यहाँ से कम्बाइन भी कर सकते हैं। ठीक, जब भी मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर इसको क्लिक किया। ठीक, उसके बाद हम दोबारा से टेबल पर जाते हैं, टेबल प्रॉपर्टी, सेल की प्रॉपर्टी। ठीक, टेबल की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कर रखी है, अभी मैं सेल की प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ। ठीक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये हो चुका है। उसके बाद रो को स्पैन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने थ्री रो किया अभी, ये देखिए थ्री रो को उसने एक मीन्स रो बना दिया, एक कॉलम बना दिया उसने। ठीक, उसको स्पैन कर दिया। ऐसे ही आप कॉलम को भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हेडर सेल है। यदि आपके हेडर में, जैसा कि नेम, फादर नेम है, ये हेडर सेल है, इसको आप हेडर सेल रखना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है। नो ब्रैपिंग का मतलब है इसको ब्रैप नहीं करना है, तो आपने क्लिक कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। यदि सेल का बॉर्डर साइज देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर साइज भी दे सकते हैं। कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं। यदि आपने कोई बैकग्राउंड लगानी है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड लगाइए, यूज बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक, यहाँ से क्लिक करना है और ब्राउज पर क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। यदि आप, जैसे आप कोई पिक्चर इंसर्ट करोगे उसके बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद अप्लाई करना है। ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक, इसको यहाँ से आप ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी सेल के ऊपर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मीन्स उसको स्पैन करना है, उसकी अलाइनमेंट देना है या फिर उस पर पिक्चर लगाना है बैकग्राउंड, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस अपने टेबल में जा करके सेल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। टेबल की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है। ठीक, तो स्टूडेंट उसके बाद जैसा कि आपने अभी डिज़ाइन में किया है, इसकी कोडिंग ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो आपने सबट्रीट में जाना है या फिर कोड में जाना है। ये देखिए टेबल का है, मीन्स टेबल का यहाँ पर टैग ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर सेल पैडिंग हमने दिया था TR, टेबल रो का, इस TR का मतलब टेबल रो होता है, TD का मतलब टेबल डाटा होता है, इसमें हमने डाटा इनपुट किया था। उसके बाद रो यहाँ पर क्लोज हो गई है, TR फिर से हमने स्टार्ट किया था, TD आ गया, टेबल को क्लोज कर दिया। दो टेबल हमने सप्लिट किए थे यहाँ से, तो तभी अलग अलग टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक, इस तरीके से आप टेबल को कोडिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन में, डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।